नमस्कार, मैं दबव्रत अधिकारी लॉकडाउन में घर में बैठकर बीच बीच में वीडियो लोड कर रहा हूँ। तो देखिए कितना छोटा भिंडी का पेड़ है, तो इतना छोटा पेड़ में भिंडी आया है। तो उधर बैंगन है, ये दो चार दिन में खा सकते हैं। तो आज मैं पहली बार इस मौसम का भिंडी पहली मतलब हार्वेस्ट कर रहा हूँ अपना खाने के लिए। देखिए इधर करेला भी है, तो वो तो अभी तो हुआ नहीं है। तो आज मैं पहली बार भिंडी उठा रहा हूँ। बैंगन उस दिन मैंने उठाया था, तो ये छोटा है, ये काल उठाएंगे। तो यहाँ वाला ये उठा लेते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। ज़्यादा बड़ा करने का ज़रूरत है नहीं। ये एक है, कोई कोई ऐसे ही टूट जाता है, जो नहीं टूटता है उसको ब्लेड या चाकू से काट देना है, ठीक है। तो बहुत छोटा छोटा पेड़ है, आपको समझ में आ रहा है, अभी भिंडी लग गया। तो हम चार फैमिली मेंबर है, तो ज़्यादा तो लगने वाला है नहीं। तो यहाँ पे एक है, ये ले लिया, देखिए टूट गया। तो टूटता है वो टूटता है, लेकिन जो नहीं टूटता है वो नहीं टूटता है। सर ये भी काल उठाएंगे, मतलब वहाँ पे एक है। ये एक है, टूट गया ना। तो इतना सा भिंडी जो हुआ है, तो हमारा चार आदमी के लिए काफ़ी है। कितना सब्जी खाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक फूड है। तो नहीं तो आज रख देंगे, कल सुबह फिर एक ही साथ में उठा के खा लेंगे। और दो चार काल उठेगा, तो दो चार दिन बाद बाद इतना सा भिंडी अगर होता है तो खाने में कितना मज़ा। साथ में मिर्ची रहेगा, देखिए पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बना हुआ है सब्जी। यहाँ पे एक पीस है, ये काल काल उठेगा आज। देखिए साथ में बैंगन भी हो रहा है। ये प्याज है, इसको झींगा, ठीक है। वो देखिए भुट्टा जो बोलते हैं मकई, फूल आ गया, वो देखिए फूल आ गया। एक कार्टून में 12 पीस, ये मिला जुला के। ये देखिए झींगा, ये झींगा फूल आ गया ना, ये बड़ा होगा। ये चांगली में उठ गया। तो ऐसे ही देखिए, आप लोग अगर खाने से पहले बिना सोचे बिना समझे कुछ भी खाए, तो सर आपका लाइफ में आपका जो मेहनत का पैसा, सर बुरा मत मानिए, मुझे कहने से बुरा लग रहा है। तो आपका मेहनत का पैसा
डॉक्टर और नर्सिंग होम के लिए वेट कर रहे हैं सर। अगर आपका घर में थोड़ा सा भी जगह हो, 10-20 ऐसे भी कुछ भी, आप कार्टून या कुछ भी टॉप या कुछ भी में आप ट्राई कर सकते हैं। ये खाना जो है, इसी खाने से हमारा शरीर चलता है। ये खाना हम अगर सही खाएंगे तो हमारा हेल्थ सही रहेगा। जैसे बाइक में हम लोग पेट्रोल के जगह डीजल नहीं डालते, केरोसिन नहीं डालते, तो उसी के हिसाब से हमारा ये बॉडी जो इंजन है, बॉडी को भी आप इंजन सोचेंगे तो ये बॉडी में हमारा चलता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब सबसे पहले हमें शरीर में चाहिए ऑक्सीजन, उसके बाद चाहिए शुद्ध पानी। शुद्ध पानी के जगह आज तो शुद्ध पानी है नहीं, पहले पानी का नाम था एक है, पानी का नाम था जीवन, अभी पानी का एक दूसरा नाम हो गया जीवाणु, तो वहाँ से भी हमारी बीमारी हो रहा है। तो उसके बाद हमें जो सुबह दोपहर और रात को 3 थाली खाते हैं वो तो ये बड़ा मतलब पूरा का पूरा मीठा जहर है। अब खाएंगे धीरे 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 बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर का ह्यूमन बॉडी का आयु होता है 120 साल। तो ये 120 साल आज आदमी क्यों नहीं बच रहा है, 20 में क्या हो गया, तो आधा जो उम्र है 60 साल, आज आदमी 50-60 साल से किसी न किसी ऑर्गन डैमेज होके मर रहा है। किसी का पेट खराब, पाकस्थली खराब हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, किसी का हार्ट खराब हो गया। तो इसका रीज़न क्या है? हम लोग जो आज हर रोज़ खाते हैं, जैसे हम अगर बाइक या कार में मतलब उसका खाना जो पेट्रोल डीजल होता है उसके जगह पे हम केरोसिन डालेंगे वो तो एक दिन में ही ख़राब हो जाएगा। तो हमारा बॉडी में लोहे का कुछ बना नहीं है, अगर लोहा होता तो हमारा बॉडी भी ऐसे ही बाइक जैसे ही जल्दी ख़राब होता। हमारा बॉडी बना हुआ है सेल से, तो सेल को चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर। आज वो हम उसके जगह हम दे रहे क्या दे रहे? अशुद्ध हवा, ऑक्सीजन आज अशुद्ध हो गया, उसमें प्योरिटी नहीं है, पानी में प्योरिटी नहीं है। तो लेकिन हमें उसको सुधारने का मौका भी नहीं है, जो वो प्रकृति का आइटम है। तो यहाँ से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो अगर आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खाना खाएंगे हर रोज़, तो आप जो बीमारी पकड़ के रखे हैं वो धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कभी डॉक्टर और नर्सिंग होम के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वस्थ जिएंगे, आपका उम्र ज़्यादा बढ़ेगा, आप हेल्दी बिना बीमार झेले हुए आप बच सकते हैं। तो अगर आपको लगता है ना मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं जी सकता हूँ, अगर कोई बीमार होगा मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर बचा लेगा, तो ये आपका गलत फहमी है। तो आप अगर स्वस्थ जीना चाहते हैं उसका जरिया आपकी हाथ में है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा जो ये लड़का, ये आदमी डायलॉग मार रहा है, ये डायलॉग नहीं है। आप गूगल में जाके सर्चिंग मार के मेरा बात का वेरिफिकेशन कर लीजिए, जो हमारा बॉडी कैसे चलता है। एक बार यूट्यूब में जाके सर्चिंग मारिए जो हमारा बॉडी कैसे चलता है, इसमें क्या ज़रूरत क्या है, ये बॉडी का मतलब चलने का जरिया क्या है, और गूगल दिखाएगा आपको। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो आज हम खाते वक्त एक बार भी नहीं सोचते जो हमारा खाना में कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल्स है, कितना फाइबर है, कितना फैट है और कितना कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल और रोटी। तो रोटी और चावल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, लेकिन हमें हमारा बॉडी में चाहिए हर रोज़ सबसे ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत होता है। तो उसी के हिसाब से साइंस ने सजाया है
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, इसी के हिसाब से जो सीरियली मैंने बताया, जो सबसे पहले चाहिए हमारे बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उसके बाद विटामिन चाहिए, उसके बाद मिनरल्स चाहिए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके बाद फैट और फाइबर। तो आज हम जितना ज़रूरत प्रोटीन हमारा बॉडी में होता है, उतना प्रोटीन अगर हम लोग खाएंगे तो हमारा पेट, जो हमारा मेन इंजन है पेट, ये पेट के अंदर उतना प्रोटीन हजम ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन जो वाला जितना खाना है उसमें पूरा मिलावट हुआ है। क्योंकि प्रोटीन हमारा कहाँ पे मिलता है? मछली में मिलता है, मीट में मिलता है, अंडा में मिलता है, दाल में भी मिलता है। आप बोलिए किस में प्योरिटी है, एक बार आप ध्यान से सोचिए। और मेरा ये जो कहना है, आप एक बार घर से, दिल से एक बार सोचिए ये मेरा कहना कितना परसेंट सही है। अगर आपको लगे जो ना एक बार सोचना ज़रूरी है, तो सर आपका लाइफ में मंगलमय होने के लिए वेट कर रहा है। आप ज़रूर एक बार सोचेंगे तो आप भी सही रास्ता पे आ सकते हैं, सच्ची वे में जी सकते हैं, और आपका फैमिली भी आपका सलाह से वो भी सुधर जाएगा, वो भी सर सही सलामत रहेगा। तो कभी भी आपको बीमारी लेकर डॉक्टर नर्सिंग होम के जाने का ज़रूरत नहीं है विदाउट एनी एक्सीडेंट। और मैं आपको एक बात गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर खुद का भला करेंगे और अपना फैमिली का भला करेंगे, ऑटोमेटिक आप दूसरे का बुरा कभी नहीं सोच सकते, ऑटोमेटिक आप दूसरे का भी भला करने का कोशिश करेंगे। तो मैं आज प्रैक्टिकली देखा है, आज तक जितना बंदा दूसरे का भला किया है, खुद का भला किया है, उसका लाइफ में कभी एक्सीडेंट नामक कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि मतलब ये तो गॉड गिफ्टेड आइटम है, ऊपर वाला भी सोचता है इसको लाइफ में एक्सीडेंट देकर उसका भी मतलब नाम खराब होगा, क्योंकि ऊपर वाला बोल के कुछ तो है। और आज जो हम लोग बोलते हैं गॉड, गॉड मतलब गो ऑन ड्यूटी। तो मतलब हम लोग अगर बोलते हैं जाना हमारा बीमार ये जो होता है तो ऊपर वाला का देन है, ऊपर वाला बीमार नहीं देता है, ऊपर वाला हमें तो स्वस्थ सबल इस दुनिया में लाया है, लेकिन हमारा जो बीमार है हमारा का बैड हैबिट के लिए ही वो बीमारी हमारा शरीर में आज घुस रहा है। तो देखिए मेरा ये कहने का मतलब एक ही है, मेरा लाइफ का एक छोटा सा मौका जो मिला है, एक प्रयास है मेरा, छोटा सा प्रयास, मैं टारगेट लिया हूँ, अगर मेरा लाइफ में 10 आदमी को सुधार सकूँ सर, तो मेरा लाइफ में तो 4 चांद लगने वाला है। तो आप लोग सोचेंगे ना ना हमें तो ये कर नहीं पाएंगे सर, क्यों नहीं कर पाएंगे? अपना हेल्थ अच्छा रखने के लिए थोड़ा सा ये आप काम नहीं कर पाएंगे? अच्छा खाने के लिए अब थोड़ा बहुत मेहनत नहीं कर पाएंगे? तो इस दुनिया में आने का मतलब क्या हुआ? आप आए थोड़ा कमाए, खाए पिए और दुनिया से चले गए, कहानी ख़त्म हो गया क्या? ऐसा नहीं है सर, आपको इस दुनिया में लाया गया है, कुछ ना कुछ आपका तो जिम्मेदारी बनता है। तो जिम्मेदारी अगर आप समझते हैं तो मेरा सर एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग खाने का सुधार ज़रूर कीजिए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो उगाला गया सब्जी वही खाइए, तो आप लोगों का लाइफ में ज़रूर आप डेवलप देखेंगे। आप एक साल ट्राई करके देखिए, और सुबह शाम थोड़ा सा कम ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए सर। हमारा जो पेट का वो भी, इसका भी एक अलग व्यायाम होता है, आप गूगल में देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा दिखने वाला है। फिर आपका हार्ट, लीवर, किडनी, ये चारों का अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे, आपका लाइफ में कभी भी बीमारी नाम का कोई सब्जेक्ट रहेगा नहीं सर। तो ये जो हमारा पेट नामक सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग जो जितना रासायनिक केमिकल वाला खाना खाते हैं, वो पेट में जाकर सबसे पहले बीमारी पैदा करता है। तो आज वही आप लोग बोलते हैं, बहुत सारा एडवर्टाइज में भी आता है जो पेट सफा तो हर रोग दफा, तो ये पेट के ऊपर ही हमारा 80% डिजीज डिपेंड करता है, जो
उसी से हमारा बीमारी क्रिएट होता है शरीर में, तो वहीं से जाकर धीरे धीरे किडनी इफेक्ट होता है, लिवर इफेक्ट होता है, हार्ट में इफेक्ट होता है। तो हमारा शरीर नामक जो इंजन है, इसको आप ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आप ध्यान देंगे तो आपका लाइफ में ही सुंदर सा शांत सा जगमग करेगा, आपका फैमिली प्राउड फील करेगा आपके लिए। जो हमारा फैमिली में एक ऐसा बंदा था जो हमारा फैमिली को सिक्योर करके दिया, जो हमारा फैमिली में किसी का बीमार नहीं है, हम हेल्दी है। और हम लोग जो डॉक्टर नहीं कर पाता है हेल्दी रहने का सवाल, आज कोरोना वायरस के लिए आदमी कितना परेशान झेल रहा है, मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। आदमी, मैं पहले जानता था आदमी जो इनकम करता है, जो सही तरह से खाना पीना और जीने के लिए ही आदमी इनकम कर रहा है, लेकिन आज आदमी सही से बसने के लिए अपना रोटी रोजी भूल गया, छोड़ दिया जो, लेकिन बसना चाहिए। तो वो बसने से पहले, लेकिन वो जो बसने के लिए घर में बैठ गया, वो जो घर में बैठकर जो खाना खा रहा है, वो तो खाना खाते खाते सर धीरे धीरे वो मरने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि आप बाहर से जो खरीद कर ला के खा रहे हैं वो पूरा का पूरा मीठा जहर है सर। एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए, कुछ भी आप बोलेंगे, सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट, हाँ, जो दूध, दही, कुछ भी बोलिए, वो सारा आज मिलावट का ज़माना हो गया। तो वहाँ से बचने के लिए आपका घर में थोड़ा सा आपको अपना घर में जो लगने वाला, देखिए 100% आप भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन आपका घर में अगर परसेंटेज ज़्यादा रहेगा जो हेल्दी ऑर्गेनिक खाना, तो आपका शरीर में कभी बीमार पकड़ेगा नहीं। और आपका इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आपको 100% क्योर होना है, तो सर मुझसे ज़रूर, मेरा वीडियो में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लिखिए, जो आपको 100% हेल्दी रहना है, तो उसका ज़रिया मैं आपको शेयर करूँगा सर। नहीं तो आप बोलेंगे ये मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, किसी का कंपनी का बुराई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी का बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जीने का ज़रिया मुझे मिल गया है, मैं वही आप लोगों को बहुत दिन से सोच रहा हूँ जो ये कैसे आप लोगों को बताऊँ। तो देखिए, हम आज हर रोज़ जो खाना खा रहे उसमें ही सारा मतलब सीक्रेट छुपा हुआ है। आप लोग ज़रूर खाने से पहले वो देखिए वो किस प्रोसेस में हो रहा है, अगर आपको प्रोसेस जानना है तो ज़रूर जानिए। और इस दुनिया में जो आने का मतलब वो आप सोचिए और समझिए, समझने के बाद आपको लगेगा ना, हाँ, मैं जो वीडियो देखा था, किसी ने बोला था लाइफ में सही जीने का एक जरिया, तो अच्छा लगेगा। और मैं जो आज इतना मेहनत करके ये वीडियो आप बनाया, दिखाया, आगे भी दिखाऊंगा कैसे मिट्टी प्रोसेस करते हैं, ये भी मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया यूट्यूब में। और फिर उसके बाद सब्जी कैसे लगाएंगे उसका भी अब धीरे धीरे अपग्रेड, मैं भी अपग्रेड हो रहा हूँ। तो सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद ये सही रास्ता अपनाइए और दूसरे को ये सही रास्ता दिखा के थोड़ा दूसरे को भी हेल्प कीजिए, तो इसमें सारा लाइफ मंगलमय ही होगा। तो और मेरा ये कहना और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दूसरे को ज़रूर शेयर कीजिए, और दूसरा भी आपकी तरह हो पाए आप लोग देखिए। अगर कुछ भी सजेशन चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखूंगा आपको सजेशन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का भला हो, ऊपरवाला आप लोग को सही सलामत रखे, यही उम्मीद के साथ। नमस्कार सर।